अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मल्टीपल कंडीशन करनी पढ़नी है। लास्ट लेक्चर में हमने इफ एल्स पढ़ा था, तो आज दो ही कंडीशन होती थी, या इफ या एल्स। तो आज हम मल्टीपल कंडीशन पढ़ेंगे कि अगर दो से ज़्यादा कंडीशन हो तो हम उनको कैसे डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच एंड देन हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, मेन फंक्शन वाइड मेन स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि एक दो वेरिएबल लिए थे ए और बी, और उनको हमने देखा था कि अगर ए लेस देन बी है तो हम प्रिंट कर देते थे कि ए लेस देन बी है, वरना वो हमारी कंडीशन एल्स में चली जाती थी। और एल्स में हम क्या करते थे, प्रिंट कर देते थे कि या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या ए डबल इक्वल टू बी होगा। तो आज हम इन तीन कंडीशन को सेपरेट करते हैं। सेपरेट किस तरह करते हैं कि दो वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू टू और इंट बी इज इक्वल टू थ्री। ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, आप ये वैल्यू यूजर से भी ले सकते हैं स्कैन ऐप के थ्रू। तो अब मैं क्या करता हूँ, इफ ए इज लेस देन बी, और यहां मैं करता हूं प्रिंट एफ ए इज लेस देन बी। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, दूसरी कंडीशन लिखनी है इफ ए इज ग्रेटर देन बी। मैं यहां पे मेन मेथड क्लोज कर देता हूं और यहां पे आ जाता हूं नेक्स्ट। मैं लिखता हूं इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अब हमारा यहाँ पे इफ नहीं आएगा, यहाँ पे हम लगाएंगे एल्स इफ। लास्ट टाइम हमने सिर्फ एल्स लगाया था, तो हमने क्या कहा था कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एल्स पे चला जाएगा। अब अगर हमारे पास दो से ज्यादा कंडीशन आ जाए तो हम फिर मल्टीपल एल्स इफ यूज करते हैं, पहले एल्स देन इफ, और उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं और देन प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर देन बी। और एल ई एल में हम क्या करते हैं, एक एल्स कंडीशन ले लेते हैं, एल्स प्रिंट एफ ए डबल इक्वल टू बी। अब या तो ए लेस देन होगा बी से, या ए ग्रेटर देन होगा बी से, या ए बी के इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, तीन कंडीशन तीनों कंडीशन को सेपरेट लिख दिया, एक को इफ में, एक को एल्स इफ में, और एक को एल्स में। हमारे पास अगर इससे भी जितनी ज्यादा कंडीशन होगी हम एल्स इफ में लिखते जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक एल्स इफ और आ जाएगा, देन एक एल्स इफ और आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड हमारे पास एल्स आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम ड्राई रन करके देखते हैं कि ये कैसे चलेगा। सबसे पहले जब हमारे पास चलेगा तो ए में वैल्यू है टू, यहाँ से ए में वैल्यू टू आ जाएगी, बी में वैल्यू थ्री। ये कंडीशन चेक होगी कि ए इज लेस देन बी, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी क्योंकि टू इज लेस देन थ्री, ये ट्रू है कि हमारी टू जो है टू वैल्यू थ्री से छोटी है। तो मेरे पास ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, ए इज लेस देन बी। लेट्स सपोज मेरे पास ये ए 12 हो जाता है, तो अब वो जब इस पे आएगा ए इज लेस देन बी, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो ये क्या करेगा, एल्स इफ पे आ जाएगा, एल्स इफ पे आकर देखेगा कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो कंडीशन यहां पे क्या होगी ट्रू क्योंकि 12 इज ग्रेटर देन 3। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और ए ग्रेटर देन बी मुझे शो हो जाएगा और इस पे प्रोग्राम नहीं आएगा। पहली बार जब प्रोग्राम चला था जब इसकी वैल्यू 2 थी तो ये यहां पे ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ था, तो एट द एंड उसने इन दोनों को चेक नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई थी और उसके बाद वो एज इफ बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर पहली कंडीशन रॉन्ग होगी, वो नेक्स्ट कंडीशन पे आया, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो इसके बाद आने वाली जितनी भी कंडीशन है वो उस पर नहीं जाएगा, प्रोग्राम हमारा उस पर एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा और यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो अगर मेरे पास इसकी वैल्यू भी 12 हो जाए बी की, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, ए लेस देन बी वाली, ए ग्रेटर देन बी वाली भी फॉल्स होगी। तो मेरे पास पीछे एक ही कंडीशन बच गया एल, तो एल पे चला जाएगा और मेरे पास ये
प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, जितने भी हमारी कंडीशन आती जाएंगी हम उनको एज इफ पे लिखते जाएंगे और एट दी एंड हम क्या लिख देंगे, गेट कैच, जो मेरे उसको कंट्रोल करेगा कंसोल को। सो ये इसका बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जब हम मल्टीपल कंडीशन यूज करनी होती है तो हम एज इफ के साथ जितने भी कंडीशन चाहे यूज कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने सिर्फ इफ और एज पढ़ा था और मैंने स्कोप भी बताया था कि बाय डिफॉल्ट अगर आपने ये ब्रैकेट्स नहीं लगाई हुई तो इस इफ का स्कोप फर्स्ट सेमीकॉलन है, जहां पे उसको फर्स्ट सेमीकॉलन मिलेगा वो बाय डिफॉल्ट वहां तक अपना एक बैकएंड पे स्कोप क्रिएट कर देगा। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखना, इस तरह हमने एज इफ यूज करना है और इफ ये यूज करते हुए आप भी कोई एक न्यू सोर्स फाइल बना लेते हैं। इसके लिए कोड स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h और यहाँ पे हम क्या करेंगे, void main, हमारा main method बन गया। उसके बाद हमने क्या किया था, दो variable लिए थे int a is equal to 2 और यहाँ पे b is equal to 3। पहले में हमने लिखा था if a is less than b तो हमें क्या प्रिंट कर दे, सिंपल प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में प्रिंट f a is less than b। इसी तरह अब हमने क्या किया था, यहाँ पे else if लिखा था और उसमें हमने लिखा था else if a is greater than b तो हमें यहाँ पे print f a is greater than b print कर दी। यहाँ पे भी semicolon आएगा और यहाँ पे भी semicolon और at the end हमारे पास क्या आ गया था, else आ गया था। else में हमने सिंपल लिख दिया था कि प्रिंट है, प्रिंट है ए डबल इक्वल टू बी। कंट्रोल एस, सेव फाइल करते हैं। यहाँ पे इसका नाम हम सी सोर्स फाइल, पहले एक्सटेंशन चेंज करते हैं, एल इफ रखते हैं, सेव होगी। तो भाई यहाँ पे गेट कैच, कंट्रोल एस और एफ 11, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। मेरे पास 2 और 3 थी तो मेरे पास a लेस देन b आ गया। मैं इसकी वैल्यू 12 कर देता हूँ, कंट्रोल s f 11, तो ये मेरे पास a ग्रेटर देन b आ गया। और इसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यू 12 कर देता हूँ, कंट्रोल s f 11, तो मेरे पास a डबल इक्वल टू b आ गया। तो ये कोड करके देखिएगा, और भी प्रोग्राम बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा codingwithzeb@gmail.com पे, मैं वहाँ पर आपको आंसर कर दूंगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।